नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि अभियान के तहत अवैध शराब की तस्करी करने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है। पकड़े गए अभियुक्तों पर धारा 419-272 सहित कई अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि सारे अभियुक्त को अवैध शराब तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। तो एक खबर आजमगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें कि पुलिस लगातार अवैध शराब तस्करी के खिलाफ अभियान चला रही है और इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के द्वारा अपराध के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। साथ ही इस अभियान के तहत अवैध शराब की तस्करी करने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है। वहीं पकड़े गए अभियुक्तों पर धारा 419-272 सहित कई अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और साथ ही सारे अभियुक्तों को अवैध शराब तस्करी के मामले में भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं हरियाणा के हिसार बॉर्डर पर लगातार किसानों का धरना जारी है। आप बता दें कि किसानों के वरिष्ठ नेता राकेश टिकैत द्वारा बॉर्डर पर किसानों के साथ मारपीट और अभद्रता की सूचना मिलने पर पूरे प्रदेश में टिकैत के किसान संगठनों ने सड़कों पर चक्का जाम किया, जिसके चलते रामपुर में भी जिला मुख्यालय के सामने जिलाध्यक्ष हजीब अहमद के साथ किसानों के एक दल ने चक्का जाम किया है, जिस पर जिलाध्यक्ष का कहना है कि किसान देश का अन्नदाता है, उनके साथ अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति से हरियाणा सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है और हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए भी कहा है। इसमें भी 15 मिनट पहले मैसेज आया था माननीय राकेश टिकैत जी ने, यार हरियाणा में यार एक जगह है, वहाँ किसान आंदोलन कर रहे थे, वहाँ की सरकार ने किसानों पर लाठीचार्ज किया है, काफ़ी चोटें लगी हैं, हाथ पैर टूटे हैं, तो उसी के विरोध में लेके पूरे उत्तर प्रदेश में NH-24, NH-9 और टोल टैक्स जहाँ जहाँ थाने पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों ने घेर रखे हैं, बैठे हैं, बस यही मांग कर रहे हैं कि वहाँ की सरकार को बर्खास्त किया जाए। रामपुर के पुलिस अधीक्षक शगुन गौतम के द्वारा जिले में आरोपियों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। आपको बता दें कि थाना स्वार की पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं प्रधानी के चुनाव को लेकर हुई मारपीट, फायरिंग और अभद्रता करने वाले 6 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो ये रामपुर से आपको खबर बता रहा है, जहां पर पुलिस लगातार अभियान चला रही है और इसमें आरोपियों की धरपकड़ लगातार जारी है। पुलिस अधीक्षक शगुन गौतम के द्वारा आरोपियों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी। और साथ ही आपको बता दें कि थाना स्वार की पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं प्रधानी के चुनाव को लेकर हुई मारपीट, फायरिंग और अभद्रता करने वाले 6 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शाहजहांपुर के सासा नगरिया के नवनिर्मित प्रधान पूजा देवी के पति अमित कुमार चंदेल के द्वारा कोरोना से बचाने के लिए गांव में सैनिटाइजेशन कराया गया, साथ ही साथ लोगों से कोविड नियमों का पालन करने की अपील की गई, जिस पर ग्राम प्रधान पूजा देवी का कहना है कि कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है और इससे बचने के लिए सरकार द्वारा बताई गई गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है। आवश्यक कार्य होने पर मास्क लगाकर घर से बाहर निकले, जिससे कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। वहीं सीतापुर के आयुक्त और नोडल अधिकारी ने सिधौली और कसमांडा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण करके स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में कोरोना की L2 फैसिलिटी का निरीक्षण किया और साथ ही सिंहपुर में प्राथमिक विद्यालय में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर और नगर पालिका के कंटेनमेंट जोन का भी निरीक्षण किया और इन सब जगहों की निगरानी टीमों से भी बातचीत की जा रही है। तो आपको बता दें कि सिंहपुर में प्राथमिक विद्यालय में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर और नगर पालिका के कंटेनमेंट जोन का भी निरीक्षण किया गया और इन सभी जगहों की निगरानी करके टीम से लगातार बातचीत की जा रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। सोनभद्र में बीजपुर थाना क्षेत्र के धरती डाड स्थित मोटकी पहाड़ी पर हनुमान जी के दर्शन करने आए एक युगल जोड़ी को बंधक बनाकर 3 युवकों ने कुल्हाड़ी के बल पर युवती से गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं मौके की सूचना पहुंच, आपको बता दें कि बीजपुर पुलिस युगल जोड़ी को थाने लाकर अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। तो वहीं जिले के पुलिस अधीक्षक ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए घटनास्थल का मुआयना कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं सीतापुर जनपद की पुलिस लाइन व समस्त थानों के प्रभारी निरीक्षक व थानाध्यक्ष की अध्यक्षता में संवाद दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस कर्मियों से वार्ता कर उनकी बातों को सुना गया और साथ ही
पुलिसकर्मियों को उनकी सुख सुविधाओं एवं कल्याण के साथ साथ कार्यालय पर प्रयुक्त की जाने वाली दैनिक प्रयोग की वस्तुएं कोविड संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक सामग्रियां भी उपलब्ध कराई गई हैं और साथ ही उपलब्ध कराई गई सामग्रियों के प्रयोग के संबंध में सभी पुलिसकर्मियों को जानकारी भी दी गई है। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध और अवैध शराब की तस्करी करने वाले अभियुक्तों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत लगभग 10 क्विंटल लहन बरामद की गई है और इसके साथ ही भारी मात्रा में अवैध शराब भी बरामद की गई। भट्टा मालिक को पुलिस हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया और साथ ही कार्रवाई की जा रही है। एक तरफ जहां कोरोना ने देश में हाहाकार मचा रखा है और कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए सरकार ने लॉकडाउन का सहारा लिया है, जिसके चलते बहुत से लोगों के सामने दो वक्त की रोटी का संकट खड़ा हो गया है, लेकिन वहीं कुछ समाज सेवी उन जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए सामने आए हैं और उनके लिए दो वक्त की रोटी का इंतजाम कर रहे हैं। बता दें कि भूखे एवं जरूरतमंद को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने वाली राष्ट्रीय संस्था जो देश के 16 राज्यों समेत 95 जिलों भोजन वितरण का सेवा कार्य सफलतापूर्वक कर रही है। कठिन चुनौतियों को देखते हुए इंडियन रोटी बैंक लखनऊ परिवार के द्वारा दिहाड़ी मजदूरों और जरूरतमंदों को निरंतर भोजन तो उपलब्ध कराया ही जा रहा है और साथ ही कैंप लगाकर राशन भी दिया जा रहा है। आपको बता दें कि लखनऊ के डायमंड डेयरी के पास उदयगंज के बर्लिंगटन चौराहे पर माँ अन्नपूर्णा रसोई से इसकी शुरुआत की गई और कार्यक्रम में अतिथि के रूप में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस रघुवेंद्र मिश्र और लखनऊ के अपर नगर मजिस्ट्रेट पल्लवी मिश्रा भी मौजूद रहे। हमारे संवाददाता ने इंडियन रोटी बैंक की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर प्रियंका मौर्य और फाउंडर विक्रम पांडे से खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश की राजधानी समेत पूरे भारत के अंदर कोरोना महामारी का कहर जारी है। इसी बीच सरकार के द्वारा लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन के साथ साथ जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, दिहाड़ी करने वाले लोग हैं, उनके लिए खाने पीने की काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। इसी क्रम में इंडियन रोटी बैंक के द्वारा एक सराहनीय कार्य किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इंडियन रोटी बैंक के द्वारा एक किचन चलाया जा सकता है। ये यहाँ के रसोई के कर्मचारी हैं जो यहाँ पर इंडियन रोटी बैंक के द्वारा खाना बना रहे हैं। जो गरीब तबके के लोग हैं उनके द्वारा उन्हें खाना मुहैया कराया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कैंप लगाया गया है रसोई के नाम से, अन्नपूर्णा रसोई के नाम से, जिसके द्वारा जहाँ पर ये गरीब तबके के लोग हैं उनको निःशुल्क ज़रूरतमंदों को खाना दिया जाएगा और साथ ही साथ यहाँ की जो मैम है उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर क्या क्या सुविधाएँ की जा रही हैं। मैडम, आप कोऑर्डिनेटर हैं, क्या यहाँ पर सुविधाएँ दी जा रही हैं? देखिए, इंडियन रोटी बैंक हमारी जो ये संस्था है, राष्ट्रीय संस्था है, 16 राज्यों में 95 जिले में इसका कार्य चल रहा है। सबसे पहले हमारा कम्युनिटी किचन हरदोई में स्टार्ट हुआ और आज से लखनऊ में यहाँ पे निरंतर जो भूखे लोग हैं, ज़रूरतमंद हैं, उन लोगों की को यहाँ पे निःशुल्क भोजन कराया जाएगा, क्योंकि परिस्थितियाँ बहुत विषम हैं, बहुत सारे गरीब हैं, ज़रूरतमंद मजदूर हैं जिन लोगों को भोजन नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हमारी संस्था ने ये कार्य शुरू किया है कि लोगों को कम से कम भोजन की व्यवस्था करा सके। मैडम, 16 राज्यों में आपकी ये संस्था चल रही है, इसके साथ लखनऊ में आपने एक ही ये कैंप लगाया हुआ है खाने का, या और भी चीज़ें हैं, और भी कहीं सोच रही हैं आप लगाने का? कैंप तो हमारे हर जगह पे लग रहे हैं, हर जिले में, जैसा कि मैंने बताया 95 जिले में हमारा कार्य चल रहा है। उसके साथ ही आप ये देखेंगे ये कोविड हेल्पलाइन हमने निकाली है, ये हर जिले की अलग अलग है, जैसे हरदोई, लखनऊ, सासाराम, बिहार, जहाँ जहाँ पे हमारी ये संस्था चल रही है, तो इसमें हम ये हर तरह की सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं इस कोरोना टाइम। इंडियन रोटी बैंक द्वारा रोजाना कितने लोगों को खाना अनलिमिटेड है या कुछ लिमिटेड लोगों को रखते हैं? लिमिटेड नहीं है, ये अनलिमिटेड है। जितने लोग हमारे पास आएंगे हम उन सबको खाना और भोजन का पूरा प्रबंध करेंगे। जी जी, तो हमारे साथ इंडियन रोटी बैंक की कोऑर्डिनेटर प्रियंका जी मौजूद थी और हम इंडियन रोटी बैंक के जो संस्थापक हैं उनसे भी बात करेंगे, त्रिपाठी जी हैं, पांडे जी से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कैसे विचार आए हैं रोटी बैंक शुरू करने का, क्या सोच। पहले से हम लोग लगातार राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उसी क्रम में आज लखनऊ में हमारा ये प्रयास है कि हमारे संसाधनों से, हमारे इंडियन रोटी बैंक परिवार के साथियों के सहयोग से
हमारे पूरे लखनऊ में यथासंभव हम भोजन उपलब्ध करा सकें उनके लिए, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो कामगार वर्ग है, जो वो वर्ग है लॉकडाउन की वजह से आर्थिक असमानता और समस्याओं की वजह से घरों में हैं, खुददारी और स्वाभिमान की वजह से कहना नहीं चाहते, कह नहीं पाते कि उनको राशन की या खाने की समस्या है। तो हम लोग ये एक ऐसा कम्युनिटी किचन यहाँ पर इस्टेब्लिश कर रहे हैं। इसके बाद हमारे जो युवा साथी हैं, वॉलंटियर्स हैं, जिनको आप देख रहे हैं ये टी शर्ट में हैं, ये रोटी बैंक के वॉलंटियर्स को हमने अलग अलग एरियाज डिसाइडेड किया हुआ है कि कोई सिविल हॉस्पिटल जाएगा। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि लखनऊ में फ़िलहाल हम लोग 5 स्थानों पे अपना भोजन वितरण शुरू करेंगे, जो कि 1 बजे से 3 बजे के मध्य प्रस्तावित है। उसमें हम लोग 12 बिरवा चौराहा नहरिया पे एक सेंटर है, एक जो ट्रामा सेंटर है मेडिकल कॉलेज का, वहाँ पे हमारा सारा ग्रुप जाएगा। एक टीम हमारी पॉलिटेक्निक चौराहे पे जाएगी, एक सिविल हॉस्पिटल में जाएगी, एक जानकीपुरम में जाएगी, और एक ऐसे ही 5-6 स्थान हम लोगों ने चिन्हित किए हैं। तो ये हमारे वॉलंटियर साथी हम देख सकते हैं, शोभित पांडे जी हैं, मोहित शर्मा जी हैं, संतोष जी हैं, विश्वकर्मा जी हैं, देवेंद्र भाई हैं, आशीष मिश्रा जी हैं, मानस शर्मा जी हैं, सभी साथी मिल करके इस पूरे लखनऊ में भूखा न सोए कोई का जो संकल्प है कि हमारे अपने प्रयासों से, सीमित संसाधनों से, हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं, वरिष्ठ खाना प्रोवाइड कराया जा रहा है। शुरुआत में हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं, तो आज तो हम एक बार देंगे, लेकिन आने वाले समय में, भविष्य में हमारा ये भी प्रयास है कि कल से लगातार 2 टाइम देंगे, जिसमें शाम को 7 से 9 और सुबह दोपहर में 1 बजे से 3 बजे तक ये कार्यक्रम होगा। तो निश्चित तौर पे इंडियन रोटी बैंक का साफ तौर पे कहना है कि हमारा जो संकल्प है कि कोई भूखा ना सोए, इस टाइम वाकई में बहुत ही परेशानी का दौर है, लॉकडाउन चल रहा है और काफ़ी विषम परिस्थिति है। तो निश्चित तौर पे जो गरीब तबका है उनके साथ इंडियन रोटी बैंक कांधे से कांधा मिला के खड़ा हुआ है। कैमरामैन तो फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही, देश में की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।